हेलो एवरीवन प्रणाम सबको कैसे हैं आप लोग और यहाँ पर हम लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये सब सामान रखा हुआ है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम का जो पिस्ता चिरौंजी मखाना खसखस और भी बहुत सारे एक एक करके देखेंगे इसमें बहुत सारे चूट भी गए हैं तो ये जो लड्डू है बेसिकली सर्दियों के लिए बनाया जाता है और आफ्टर डिलीवरी भी लेडीज़ ये वाले लड्डू खाते हैं जिसमें मेथी सौंठ वगैरह पड़ता है तो यहाँ पर देखिए गोंद फ्राई होने के लिए डाल दिया है और सब एक एक करके तो नहीं शूट कर पाए हैं लेकिन जितना भी है वो सब आप देखेंगे यहाँ पे गोंद फ्राई हो गई है इतना और है इतना ही और फ्राई हो रहा है ये हमने फोर हंड्रेड ग्राम लिया था शायद और ये देखिए बादाम पीस कर तैयार कर लिया है बादाम भी 500 ग्राम लिया था बादाम और मखाने और ये सब ये जो नारियल का है गिरी उसको ये घिसा हुआ मिलता है पैकेट में वो लेकर आए थे इसको भी फ्राई कर लिया और यहाँ सब एक एक करके पीस कर जल्दी जल्दी रख रहे हैं यहाँ पिस्ता कम लिया है अखरोट भी कम लिया है तो जो महंगे महंगे ड्राई फ्रूट हैं वो कम है और ये मखाना ढेर सारा लिया है लेकिन इतने जितना भी हमने क्वांटिटी ली थी ये देखिए तिल भी डाला था हमने थोड़ा सा फ्राई करके और खसखस तिल और जो खसखस है उसको पीसना नहीं ऐसे ही इससे क्या है कि जो पौष्टिकता है इस लड्डू की और बढ़ जाएगी इसमें घी में हल्दी को डाल रहे हैं था एक पन्ना है और कलर बहुत अच्छा आएगा हल्दी से और ये सूंठ पाउडर भी डाल रहे हैं सर्दियों के, के लिए लड्डू बेस्ट है टेस्ट में भी अच्छा लगता है टेस्ट बहुत अच्छा है इसका और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है लड्डू गुड़ डाल रहे हैं यहाँ पर इसको भी बिना घी में गर्म किए भी डाल सकते हैं लेकिन क्या है सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा लड्डू जो है टाइट है गुड़ टाइट है सॉरी तो इसलिए उसको यहाँ पर हमने ये मेथी जो है उसको ड्राई रोस्ट करके पीस कर डाला है और खूब सारा घी सारे ड्राई फ्रूट ने ऑलरेडी बहुत सारा घी पी लिया है और उनमें अपना खुद का जो है ऑयल होता ही है सारे ड्राई फ्रूट्स में और गोंद को क्रश करके डालना था लेकिन उसको भी हमने पीस दिया तो एकदम से हलवा बन गया था लेकिन कोई बात नहीं घी का लड्डू टेढ़ो भला हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं तो ये सारा जो वो गुड़ हल्दी सोंठ घी का मिश्रण बनाया था वो डाल रहे हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं और ये लड्डू बनाने में बहुत मेहनत लगी थी हमारा बाबू छोटा है तो हम एक साथ नहीं बना पाए थे थोड़ा थोड़ा करके मींस कभी काजू फ्राई कर लिया कभी कुछ फ्राई कर एक साथ नहीं हो पाया था थोड़ा थोड़ा करके इसको बना रहे थे और यहाँ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं लेकिन हाँ इतने से ही बहुत सारे लड्डू बन गए थे और इसमें कोई भी गेहूँ या ऐसा कुछ नहीं पड़ा है मतलब गेहूँ का आटा वगैरह नहीं पड़ा है तो इसको आप बना सकते हैं इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी और यकीन मानिए उतना ही टेस्टी भी है और इसमें भी और भी चीज़ें जो अपने हिसाब से डाल सकते हैं हमने जो जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या क्या डाला है बादाम काजू पिस्ता मखाना अखरोट नारियल की गिरी ला सकते हैं घिसावा मिलता है वो ला सकते हैं गोंद तिल मेथी के बीज उनको भून कर पीस कर खसखस -खस, और घी तो भरपूर मात्रा में जाएगा किशमिश भी डाला था वो खड़ा ही डाल दिया था उसको उसको फ्राई भी नहीं किया था और ऐसे ही डाल दिया था तो चिरौंजी चिरौंजी को भी हल्का फ्राई करके और पीस कर डाला था और ये देखिए यहाँ पर लड्डू जो अच्छे बना लिए हैं हमने और उनको अच्छे से पैक कर दिया है ओके बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग